अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलबराक इलेक्ट्रॉनिक्स। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे पास मौजूद है मल्टीनेट का एंड्रॉयड एलईडी टीवी। मल्टीनेट फ्रेंड्स बेसिकली अभी न्यू पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, कुछ ही अर्सा हुआ है, इसका रिज़ल्ट है तो आपको दिखाएँगे और इसके फीचर्स के बारे में बताएँगे। और गेमिंग लवर्स के लिए ये जो बहुत ही ज़बरदस्त एलईडी है, अगर आप एलईडी पर गेम खेलना पसंद करते हैं या गेम खेलते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एलईडी होने वाली है। फ्रेंड्स मल्टीनेट के इस एलईडी के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये बेजललेस एलईडी है और इसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, दूसरी एलईडी की निस्बत ये कहाँ रेट हो रही है और प्राइस टैग में ये कितना मुकाबला कर सकती है, ताकि आप इसे परचेस करने में कोई गलती ना करें। फ्रेंड्स चलते हैं अपनी एलईडी के रिव्यू की तरफ, इनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि परचेजिंग मुझसे करें, अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर रابطہ करें। अगर आप मेरी शॉप विज़िट करना चाहते हैं और अगर आप हैदराबाद में ही रहते हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, तो आप मेरी शॉप विज़िट भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, मेरी शॉप का एड्रेस मौजूद है। तो चलते हैं अपने अनबॉक्सिंग की तरफ। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये एक मल्टीनेट का जो एलईडी 40 इंच का एक बहुत बड़ा, आप ये देखें लोगो 40 इंच नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर ब्लैक बॉक्स के अंदर ये एलईडी हमें मिला है और ब्लैक बॉक्स के साथ ही एलईडी का जो कलर है उसको भी ब्लैक किया गया है। तो शायद इसका जो साइन है वो स्लिम का साइन है, कि ये यहाँ पर स्लिमनेस की तरफ साइन किया गया है कि ये एलईडी बहुत ही स्लिम होने वाला है और बेजल लेस है। क्योंकि आप अगर देखें ब्लैक, दोनों ब्लैक कलर मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एलईडी बेजल लेस है। अब यहाँ पर अगर हम फीचर्स की बात करें तो क्रोम कास्ट इसके अंदर मिल जाएगा, डॉल्बी ऑडियो डिजिटल सिस्टम इसके अंदर साउंड सिस्टम के साथ मौजूद है, क्वाड कोर प्रोसेसर इसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब है कि आप इस पर गेम भी खेल सकते हैं। अगर आप फ्री फायर या पबजी खेलना चाहते हैं तो इस पर बआसानी आप शेयरिंग के ज़रिए गेम खेल सकते हैं। फुल स्क्रीन मौजूद है, फुल स्क्रीन का मतलब बेजल लेस है, वाईफाई मौजूद है, HDMI सपोर्टेड है। साइड में देख लेते हैं और कुछ इस पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, पर फुल HD है, फुल HD के साथ हमें ये मिल रहा है। और साइड में अगर हम इस पर देखें तो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और प्राइम वीडियो, गूगल प्ले के साइंस हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि दूसरी LEDs पर भी हमें ये मिल जाते थे। तो हमने अभी जो पिछली जो वीडियोज़ हैं LEDs की, उस पर भी हमने आपको बताया कि आप अगर नेटफ्लिक्स चलाना चाहते हैं, अमेज़ॉन चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पैकेज रिक्वायर्ड होगा, उसकी सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड होगी। फ्रेंड्स मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कहता हूं कि आप स्पीकर परचेज़ करें या आप एलईडी परचेज़ करें, लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर चेक करें कि स्पीकर या एलईडी सील वहां पर मौजूद होनी चाहिए, ताकि आप 100% श्योर हों कि आपने जो चीज़ परचेज़ की है वो फुल सील्ड और बिल्कुल न्यू परचेज़ की है। अब ये देखें यहाँ पर भी कंपनी सील लगा कर दे रही है, एसेसरीज चेक्ड एंड इंक्लूडेड इन यूनिट, कि ये बता रही है सील लगी हुई है कि एसेसरीज इसके अंदर है। फ्रेंड्स एसेसरीज हमारे पास आ चुकी है, तो एसेसरीज में रिमोट इसमें मौजूद है और पावर केबल इसके अंदर मौजूद है, सेल मौजूद है, रिमोट, वॉइस रिमोट मौजूद है और एक गाइडलाइन इसके अंदर मौजूद है। बेस स्टैंड के स्क्रू इसमें मौजूद हैं। तो ये थी हमारी एसेसरी। आपको ये बात मैं एक यहाँ पर करता चलूँ कि जितनी भी एलईडी के अंदर पावर केबल के साथ एलईडी होती है, तो वो
बेसिकली हम देखते हैं जो बड़ी एलईडी हैं या जो मल्टीनेशनल कंपनी है, सैमसंग है या TCL का आपका जो P सीरीज़ है या C सीरीज़ है, QLED, मिनी LED, उसके अंदर पावर केबल अलग मौजूद होती है। तो हम इसके अंदर मल्टीनेट में भी ये देख रहे हैं कि इसके जो पावर केबल है वो अलग मौजूद है। तो LED का भी मुझे लगता है क्वालिटी वाइज अच्छी होने वाली है LED भी। तो चले देखते हैं, LED को अनबॉक्स करते हैं। पर फ्रंट पर देख लेते हैं, तो फ्रंट पर ये देखें, ये ब्रांडिंग गूगल प्ले, नेटफ्लिक्स वगैरह, जो क्रोम का डॉल्बी डिजिटल और फुल HD, यहाँ पर ऐसा कुछ खास LED के बारे में कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं है। अगर इस तरफ देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ लग रहा है ऐसा A+ पैनल। मोस्टली जो कंपनीज हैं वो A+ पैनल इस्तेमाल करती हैं LED के लिए, तो यहाँ पर भी A+ पैनल हमें मिल रहा है। 44 वॉट्स के साथ ये LED हमें मिली है। 40NX7 इसका मॉडल नंबर है, जो कि स्क्रीन पर भी मेंशन हो रहा है। रिसीवर इनपुट करने के लिए ये हमें पिन मिल जाती है, और ये RF पिन यहाँ पर मौजूद है, जो आपको RF केबल जो है चलाने में काम आएगी। और दो USB हमें पोर्ट यहाँ पर मिल जाते हैं, एस वीडियो हमें मिल जाती है, और डायरेक्ट लैन भी इसके ज़रिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक फीचर जो कि मिस कर चुके हैं वो ये है कि रिसीवर इसमें बिल्टन है। अब रिसीवर का ये है कि इसमें यहाँ पर देखें, ये रिसीवर की पिन दी हुई है आपको, आपको सिर्फ डिश लगाना है और रिसीवर ऑन हो जाएगा आपका। फ्रेंड्स, अगर इसके इंटरफेस की अगर बात करें तो इसका इंटरफेस सेम है। अगर आप TCL परचेस करते हैं, EcoStar परचेस करते हैं, तो सेम इंटरफेस के साथ ये LED हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले इसकी सेटिंग की बात करते हैं, तो सेटिंग में हम चलते हैं। सेटिंग में यहाँ से हम आने के बाद जो है, अब यहाँ पर देखें, मैं सेटिंग की आपको बताता हूँ, सेटिंग आपको बताता हूँ। मॉडल नंबर यहाँ पर मौजूद है, वर्जन 9.0 है। जितनी भी LEDs अभी आ रही हैं, तकरीबन सभी वर्जन चेंज कर चुकी हैं, लेकिन मल्टीनेट अभी तक 9.0 ही आ रहा है। अगर आप सॉफ्टवेयर इसका अपडेट करते हैं तो ये 10.0 या 11.0 भी हो सकता है। यहाँ पर ये देखें, नेटफ्लिक्स का लाइसेंस भी आ रहा है, और यहाँ पर एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये थी हमारे पास, ये सिस्टम अपडेट आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसका HD रिज़ल्ट, ये फुल HD LED है, और इसका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। काफ़ी स्मूथ रिज़ल्ट मालूम हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा करीब बैठा हूँ LED के, तो मुझे जो है अपनी आइज पर कोई इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा, कि मुझे कोई ऐसा हैवी फील नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है LED का जो रिज़ल्ट है और इसके जो कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे कलर हैं, और काफ़ी जो है ब्राइट कलर है। अब हम दूसरे फंक्शन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस पर रिसीवर का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपके पास डिश मौजूद है, तो आपको रिसीवर परचेस करने की ज़रूरत नहीं। आप मल्टीनेट का ये LED परचेस करें, जो कि इसमें रिसीवर बिल्ट इन है, रिसीवर लेने की ज़रूरत नहीं। आप मल्टीनेट का ये LED परचेस करें 40 इंच का, जो कि आपको रिसीवर बिल्ट इन दे रहा है। यहाँ से आप पाकिस्तान, इंडिया और साउथ एशिया के और यूरोपियन चैनल बा आसानी लाइव देख सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर प्राइस टैग की बात करें तो प्राइस टैग इसका 50,000 रुपीज़ आपको मार्केट में मिल जाता है। आपको रिव्यू कैसा लगा और इस एलईडी का रिजल्ट आपको कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए मुझे आदिल असलम को इजाज़त दीजिए, अपना खास ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली किसी वीडियो न्यू अनबॉक्सिंग के साथ। खुदा हाफिज़।